गुड इवनिंग जैसे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज का व्लॉग इवनिंग से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। कल व्लॉग आपको नहीं आया, इसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि कल मेरी आँख में छोटा सा कंकर चला गया था, तो उसी वजह से मेरी एक आँख पूरी बंद ही थी, तो इस वजह से मैंने कुछ शूट नहीं किया, तो इसी वजह से आपको व्लॉग नहीं आया। तो आई एम सो सॉरी, आज मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और ये व्लॉग आपको कल ये व्लॉग आएगा तो उसके दूसरे दिन बाद आपको गुजराती व्लॉग्स मिलेंगे, तो इसके लिए भी रेडी हो जाएगा। तो चलिए कल से त्यौहार की स्टार्ट हो रही है, मतलब त्यौहार स्टार्ट हो रहा है, जो गुजराती के मेन त्यौहार होते हैं ना, सातम आठम, तो वो स्टार्ट हो जाएगा कल से, बोर चोट से स्टार्ट हो जाएगा। कल है बोर चोट, तो आज मैं जा रही हूँ अभी बाजार जा रही, मुझे सब्जी वगैरह लेनी है। और आज हम घर पर हमारे खारवा में जो स्पेशल बनता है ना, वो वानवा, वो बनाने वाले हैं हम, तो उसका भी सामान लेना है। और फिर जाऊँगी मम्मी के घर और मम्मी के घर पर बनाएंगे हम वानवा, कैसे बनते हैं ना वो आपको मम्मी के घर जाकर बता दिखाऊंगी आपको, क्योंकि मुझे तो बनाना नहीं आता, मम्मी हर साल बनाती है, तो मैं आपको रेसिपी वगैरह सब कुछ वहीं दिखा दूंगी और नाप भी आपको दिखा दूंगी कि क्या कहते हैं, मेरी शादी से पहले हम ऑर्डर्स भी लेते थे ना, इसीलिए नाप हमें पता है, तो नाप भी आपको मैं बता दूंगी, ताकि अगर आप सभी को किसी को घर में बनाना हो तो आप सबके लिए ईजी रहे, क्योंकि कुछ लोगों से बनते नहीं है, इसीलिए वो ऐसे होता है ना कि घर के जो बड़े लोग होते हैं ना उनको ही ज़्यादातर आता है, जो हमारे जैसे न्यू जनरेशन है ना उसको कुछ आता ही नहीं होता है, तो इसीलिए तो मैंने तो आज तक कभी बनाया नहीं है। मतलब मैं बेलने में मम्मी की हेल्प करती हूँ, बाकी का जो पूरा वो आटा गूंदने का काम होता है ना, मेन काम वही होता है, तो वो मम्मी ही हमेशा करती है। तो मैं आप सभी को वो दिखाऊँगी, साथ में नाप भी बताऊँगी। चलिए चलते हैं मम्मी के घर और मम्मी के घर जाके हम वानवा बनाएंगे। तो मैं बाजार में पहुंच चुकी हूँ, टमाटर मैंने ले लिए हैं, अभी मुझे आलू और कुछ सब्जी वगैरह रखना है, तो वो लेकर फिर सीधा अभी मम्मी के घर। चलिए अभी आलू ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं मम्मी के घर। चलिए तो मैं पहुंच चुकी हूँ मम्मी के घर पर, लेकिन मम्मी कुछ काम में बिजी है, तो थोड़ी देर में हम वानवा करने बैठेंगे ना, तो आपको रेसिपी दिखाऊंगी और बताऊंगी भी। चलिए मिलाती हूँ जेनी से, क्योंकि गोद में सो रही है। तो ये देखिए जेनी हमारी सो रही है, उठा देंगे। जेनी 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 देखिए, वो तो मसाज का मजा ले रही है, उठ गई उठ गई उठ गई जेनी। म्याऊ जेनी, चले। तो पापड़ का प्लान तो हमारा कैंसिल हो चुका है, क्योंकि घर में कुछ काम चल रहा है, तो मम्मी वहीं पर बिजी है, तो पापड़ हम कल करेंगे। आज पहले से ही बैठे हैं और फिर देखते हैं, चेनी के साथ खेल रहे हैं, चेनी इधर उधर जा रही है, दरवाजा तो भी बंद रखना पड़ रहा है, वो तो नीचे तक चली जा रही है। फिर हमें उसके लिए हार्नेस देखना है, हार्नेस को थोड़ा बांध कर रखेंगे तो कहीं नीचे ना चली जाए, क्योंकि फिर नीचे चली जाएगी ना तो फिर डॉग्स का डर रहता है कि उनको पकड़ ना ले, वो काट ना ले, इसीलिए तो हार्नेस शॉपिंग करने पड़ी थी। अब देखेंगे, अभी जब खरीदेंगे तब आपको दिखाएंगे। फिलहाल वो भी रूम में ही खेल रहा है, वो खेल रही है, सॉरी मेरे मुझसे मेल वर्ड से निकलते हैं, पता नहीं क्यों, तो अभी तक खेल रही है। ये मां लाके लाइट ही बना दे वाला से
तो अभी मम्मी और हैं बाहर के हैं, कुछ काम से है मेरे पास और गोद में है, आराम से सो रही है, इसलिए ये बोल रही हूँ आराम से सो रही है। ख्याल से सुनी चले, तभी राहुल लेने के लिए आ चुके हैं, तो मैं चलती हूँ घर पर और कल आपको मिलेगी वानवा की रेसिपी, तो रेडी रहिएगा कल के ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में रेसिपी आएगी तो देखने के लिए रेडी रहिएगा। चलिए चलते हैं। तो मैं वापस घर पर आ चुकी हूँ और आज तुमसे ज़्यादा कुछ व्लॉग शूट नहीं हुआ है, थोड़ा सा ही हुआ है, तो ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भी कल हम बताने वाले हैं रेसिपी, तो कल के व्लॉग देखना ना भूलिए। तो चलिए चलते हैं, अभी थोड़ी देर में सो जाएंगे, कल हमारा व्रत भी है, कल भोर चोट है, तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा कि कैसे होता है भोर चोट का व्रत और कैसे पूजा करते हैं, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा और साथ साथ गुजराती में। तो अभी क्या कहते हैं, मैंने स्टार्टिंग से हिंदी में ब्लॉग किए हैं, तो गुजरात जब हिंदी करते हैं ना गुजराती वर्ड निकल जाता है, और जब गुजराती करेंगे ना तो हिंदी वर्ड निकल जाएगा बार बार, क्योंकि हिंदी की आदत हो जाती है, हो चुकी है। इसीलिए अभी कुछ दिन पहले रिद्धि ने भी किया गुजराती ब्लॉग, तो उसकी भी हिंदी निकल रही थी बार बार, तो इसी क्या कहते हैं, अगर मुझसे हिंदी वर्ड निकल जाए तो चला लीजिएगा, क्योंकि हिंदी की आदत हो चुकी है। तो अभी त्यौहार वाले ब्लॉग में गुजराती में करूँगी आप सबके लिए, क्योंकि वोटिंग गुजराती की मिली है, तो हम गुजराती के ब्लॉग करेंगे। चलिए अभी सो जाते हैं, तो गुड नाइट, बाय बाय, जय श्री कृष्ण।